subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ओए हटो, शाबाश, हटो मेरी जगह से, सोना है मुझे। ओए ये जगह तेरी कब से हो गई? यहाँ तो एक साल से मैं सो रहा हूँ। ओए हटता है कि तूने? क्या हो गया ये? ओ बादशाह, मैंने कुछ नहीं किया, तुझे नहीं पता? देखा इसको। शकीम, उठो। साहब ये रोज बीमार रहता है, इससे पहले भी हो चुका है लेकिन हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। पानी पिला इसको, मैं साहब से जाके बात करता हूँ, हॉस्पिटल भेजेगा या नहीं। हाँ नासिर, तो वैसा करो कि चार बंदे उस चरंगी पे लगा दो, वहाँ कुछ बातें ज़्यादा हो रही हैं। बाकी बात तो मैं बाद में बताऊँगा। हाँ ठीक सर। वो शकील को फिर दौरा पड़ा सर? झूठ बोल रहा होगा, मकर कर रहा होगा वो। नहीं सर, वो काफ़ी दिनों से बीमार भी है, उसके पेट में भी दर्द हो रहा है और रात को उल्टियाँ भी करता है। अशरफ तुम ऐसा करो कि वो जो अपना डॉक्टर जवाब है उसको बुलवाओ। डॉक्टर जवाब? क्यों, क्या हुआ उसको? सब छुट्टियों पर। छुट्टियों पर है तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जियाउद्दीन हॉस्पिटल और वहां से एम्बुलेंस लेकर आओ। अगर वो यहाँ मर गया तो सारी इंक्वायरी हमारे गले पड़ जाएगी। जाओ फौरन। ठीक है सर। अमीर अली, अब तो जगह खाली हो गई है, सो जाना। हाँ जिसको तंग करता था वही चला गया। ये 205 के पेशेंट को मैंने डिस्चार्ज कर दिया, इस परफेक्ट हुआ। अच्छा किया डॉक्टर निर्मल। एक्चुअली मुझे आपसे जरूरी बात की। कहिए। तो बात ये है कि ये लेटर किसके लिए? ये वो मेरा मतलब है, ये आप
मेरे लिए नहीं, ये लेटर तो किसी और के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी नहीं, कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं वैसे ग्राउंड फ्लोर से कैच ही लेटर। कब से हो रहा है इस तरह? डॉक्टर साहब अब तो दिन भी जाते ही रहता है। जेल में कितना अर्सा हुआ? एक साल। और सीने में दर्द या जलन? अब तो इतना अर्सा हो गया है कि सीने में सिर्फ दर्द और जलन ही बाकी है। देखें अभी हम इन्हें कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और इनके कुछ टेस्ट्स वगैरह करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि खून क्यों और किस वजह से आ रहा है। बस इसे जल्दी से दवाई दें और फारिग करें। ना तो मैं बगैर तशखीस के इनको दवाई दूंगा और ना ही इन्हें यहाँ से फारिग करूँगा, समझे आप? सर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हमें ऊपर बड़े साहब से बात करनी चाहिए। ठीक है मैं बात करता हूँ। शकील साहब अब आपको जरा सी सुई चुभी है। स्टाफ इंजेक्शन। थोड़ी देर में इनके लिए टाइम ले लीजिए एंडोस्कोपी का, ठीक है? आपको दर्द हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, इतने प्यार से अगर आप जान भी ले लेते तो दर्द नहीं होता। अरे जनाब हम यहाँ पर जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए आते हैं। सलाम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं क्यों रहा। आई एम फ्रॉम अ मेडिकल कंपनी। ये एक इनविटेशन है आप लोगों के लिए। डिनर? जी डिनर भी है और डॉक्टर की फैमिलीज के लिए एक म्यूजिकल नाइट भी रखी हुई है। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग ये सब पैसा ज़ाया करने की बजाय अपनी मेडिसिन की प्राइस कम करें, क्या अपने फंड्स में से इस हॉस्पिटल के गरीब मरीजों के लिए कुछ करें, कुछ चैरिटी का काम करें, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। शेयर द वैल्यू। यस, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो चेंज करें अपनी पॉलिसी को। और बाय द वे आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह के गिफ्ट्स देकर डिनर्स में बुलाकर आपके इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को खुश कर लेंगे? आई एम सॉरी अगर आप लोगों को। आई एम सॉरी। पर भाई आप वापस से आइए और अपने सीनियर से कहिए कि इस हॉस्पिटल वाले इस तरह के एंटरटेनमेंट में अक्सर नहीं जाया करते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा। गुड, वेरी गुड। आई लाइक योर डिसीजन। तो सारा आप ड्यूटी रूम में चले, मैं एक पेशेंट को देख के आ रहा हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर असद कैसे हैं आप? और तानिया कैसे? क्या तानिया इज नो मोर? ओह माय गॉड, नॉट इन दैट।
डॉक्टर साहब अब क्या क्या होना बाकी है? तुम्हारी एंडोस्कोपी तो हो गई है लेकिन तुम्हें अभी कुछ देर तक भूखा रखा जाएगा। NPO यानी नथिंग पर ओवर। ये तो वही जेल वाली बात हो गई, भूख ही भूख। थोड़ी देर की बात है, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन देना स्टार्ट की जाएंगी, फिर दो दिन के बाद तुम फ्री, सिंपल इज दैट। यानी फिर जेल। अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी भी तो वहाँ से हो। कहते तो आप सही हैं डॉक्टर साहब, जो जहाँ से आया है वहीं जाना है उसे। अगर मेरे पास भी कोई तगड़ा वकील होता या चार पैसे लगाने को होते तो आज मैं भी आज़ाद फिजा में सांस ले रहा होता। ओहो, लगता है बहुत मायूस हो। देखो, ये जो मायूसी है तुम्हारे मेदे के अल्सर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जब जेल की सड़ी हुई रोटियां तोड़नी पड़ें और मैदा भी ख़राब हो तो मायूसी कुछ नहीं कहती, बल्कि मायूसी हौसला देती है। हौसला, ऊपर से ये जंजीरें। वेरी बैड सर, आप प्रिजन की जंजीरें खुलवाए, एटलीस्ट हम इस तरह इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप प्लीज़ बात करके इनकी जंजीरें खुलवाए फौरन से फौरन। हेलो जी सर, सर मैं अभी आप ही की तरफ आ रहा था जी। चले मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। ओके शकील साहब, फिर आपसे मुलाकात होती है। डॉक्टर जोई, एक छोटा सा काम करेंगे मेरा, बहुत छोटा सा। हुक्म करें आप। मेरे भाई का नाम अकील है, उसका टेलीफोन नंबर है 4645435। उसको बुलवा दें, बहुत दिल कर रहा है उसे मिलने का, उसको देखने का। उसको बुलवा देंगे तो मौला बहुत खुश होगा। ठीक है, पक्का आपका ये काम मैं करवा दूंगा। डॉक्टर तानिया का इंतकाल हो गया। आप प्लीज डॉक्टर, हम आपका फोन मिला देंगे। हेलो डॉक्टर अहमद, वो क्या वो आप लोग सब खामोश हैं? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर जोई, मुझे तुम हमेशा अहमद की तरह लगे हो। मुझे ये भी इल्म है कि तुम बड़े हिम्मत वाले हो। लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। डॉक्टर निर्मल, आप ही कुछ बताएं। डॉक्टर जोई, डॉक्टर
डॉक्टर तानिया। क्या हुआ डॉक्टर तानिया को? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? डॉक्टर तानिया, अपनी हसीन यादें हमेशा के लिए हमारे पास छोड़ दो, चली गई। क्यों नहीं बुलाते आप डॉक्टर जोई को? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। देखिए, हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जब तक आप ये ट्रीटमेंट तो कम से कम ले लीजिए। कुछ नहीं लेना मुझे। जब तक डॉक्टर जोई नहीं आ जाते मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये जंजीरें मेरी खुलवा देंगे। अस्पताल में भी कैदी बनाकर रख दिया है। स्टाफ, डॉक्टर जोई का पता चला? नहीं। कैदी हूं ना मैं, आप भी जेलर बन गए। जिसका दिल चाहता है जोर जबरदस्ती करता है मेरे साथ। और एक ये संजीरें डाल दी हैं। देखिए, हमने एप्लीकेशन दे दी है, इंशाल्लाह शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स। अर्जियां देने से कुछ नहीं होता। अगर होता तो आज मेरा मुकदमा हाई कोर्ट में होता। सब फ्रॉड है। हर कोई कहता है कि दरखास्त दे दो, अर्जियां दे दो। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं देखता हूं। डॉक्टर जोई, मेरी तरफ देखिए। क्या कहना है? आई एम सॉरी, मुझे एहसास है कि आपको आपको तानिया की डेथ से कितनी तकलीफ पहुंची है। लेकिन लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती।
पहली बार सिर्फ तानिया की वजह से मैंने अपने आप से हटकर सोचना शुरू किया। पहली बार मुझे जो दुनिया के गम नजर आए। लेकिन तानिया, तो क्या आप फिर से अपने आप में गुम हो जाना चाहते हैं? फिर से अपने दुखों में गुम होंगे? मैं हूं ही कम। मैं तो राय नहीं। आप हैं, आप डॉक्टर जोई हैं, और आपको क्या पता कि हजारों करोड़ों लोगों को आपकी जरूरत है। आपको पता है कि आपका जो पेशेंट है, जो जेल से आया है, वो मेडिसिन नहीं ले रहा। क्या शकील ने अभी तक मेडिसिन नहीं ली? जी नहीं, वो किसी से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं। कितनी अनाउंसमेंट करवाई है हमने आपके लिए। डॉक्टर आसिफ आपको ढूंढ रहे हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ कब से। आप अपने पेशेंट्स को तो निर्देश ना करें ना, प्लीज प्लीज। फरमान साहब आइए आइए, आप ही के इंतजार था। देखिए मैं आज पासपोर्ट लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आपने इतने दिन लगाने थे तो मैं किसी और से काम करवा लेता। अरे अरे, आप तो गुस्से में आगे काम करेंगे। आपका काम मुकम्मल हो गया। ये रहे आपके तीनों पासपोर्ट और बाकी की रकम। देखिए बाकी की रकम एज पर प्रॉमिस अकाउंट में जमा हो चुकी है, जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको रकम ये मिल जाएगी। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, तुम्हारे मैदे में अल्सर है, बहुत नुकसानदेह तुम्हारे लिए, समझे? छोड़ें डॉक्टर जोई, दूसरों के लिए जीकर बहुत देख लिया। अब कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि अपने लिए जिए, भले नुकसान ही क्यों ना हो। जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसको भी छोड़ दिया तो ये हाथ खाली रह जाएंगे। मेरे भाई को फोन किया था आपने? कब आ रहा है? उसे जल्द बुलाना। ये मुंह क्या लगा रखी है? आपकी उससे बात हुई या नहीं? एक बात बताओ, तुम जेल अपनी मर्जी से गए थे क्या? मर्जी से? मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया। कोई अपनी मर्जी से जेल जाता है क्या? तो क्या इस हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से आए थे? नहीं भाई, मैं तो बेहोश था जब मुझे हॉस्पिटल आया गया। बस शकील साहब, ऐसा ही कुछ है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो हमारे साथ होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता, समझे आप? डॉक्टर सही सही बताओ कि मेरे भाई से बात हुई थी या नहीं? हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन शायद तुम्हें बुरा लगे, उसने तुमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, और ये कहा है कि तुम उसके लिए मर चुके हो। जब वो इतना सा था ना, तो मैंने नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली।
मगर मैंने उसको भूखा नहीं सोने दिया, कुछ ना कुछ करता था मैं उसके लिए, और आज मुझे वो ठीक कहता है। वो मैं वाकई माशे के लिए मर चुका हूं। रिलैक्स, सब बेहतर हो जाए। तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई है, तुम्हारे हाथ की जंजीर खोली जा रही है। रामा, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर थानिया की सूरत में अब कभी भी नहीं देखूंगी। She was so young, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर निर्मल, देखो ये सब होता तो अल्लाह की मर्जी से है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि इसने कब जाना है। लेकिन बहरहाल अपने लॉड वंस के बिछड़ जाने से दुख तो होता है। अब देखो अहमद मुझे छोड़कर चला गया, अपने जिंदा बाप को नहीं पूछता, लेकिन शायद मैं जब ना रहूं तो वो यहां आए और तुम लोगों से मेरे बारे में पूछता रहे, शायद ना भी पूछे। कुछ भी नहीं होगा आपको डॉक्टर अहमद, कुछ भी नहीं। चले आप मेरे साथ राउंड में चले। समझने की कोशिश, हाथ नहीं लगाए मुझे। शकील क्या करो? शकील क्या शकील, कैदी नंबर 404। देखो मैं डॉक्टर जोई तुम्हारा दोस्त, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अभी ठीक नहीं हो, प्लीज अभी नहीं जाओ। आप लोग प्लीज बाहर जाएं, प्लीज आप लोग बाहर जाएं, स्टाफ आप भी बाहर जाएं। आप लोग ऐसे क्यों हैं? मुझे बस यहां से जाने दें। बहुत तमाशा कर लिया मैंने और बहुत बन गया मेरा तमाशा। तुमने अपना तमाशा खुद बनाया है, खुद। क्या क्या जरूरत क्या थी इतना फस क्रिएट करने की? चंद लम्हों के लिए आजाद हो गए थे और तुम सोचा था कि बुलवाऊंगा उसको, अपने सीने से लगाऊंगा। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, उसको देखे हुए, अगर शकील तुमने तो मुझे अपना भाई नहीं समझा, बल्कि भाई तो क्या, तुमने अपना दोस्त तक नहीं समझा मुझको। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कहें, बस खुदा के लिए मुझे यहां से जाने दें। मैं कैदी नंबर 404 हूं, नहीं बन सका मैं शकील। सुन रहे हैं आप, नहीं बन सका मैं शकील। क्यों नहीं बन सकते तुम शकील? तुम एक दफा कोशिश करके तो देखते। क्या क्या खाक कोशिश करके देखूं? मैं इस माशरे का एक बुरा इंसान हूं, बीमार भी हो जाता हूं तो मुझे बांध कर लाया जाता है, क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं है। जिसका भाई उसका साथ छोड़ जाए वो किसी को क्या सिखाएगा? बच्चों को हम जैसे लोगों से दूर रहने को कहते हैं। डॉक्टर जोई आप मुझे यहां से फौरन डिस्चार्ज कर दें, फौरन, कहीं ऐसा ना हो कि अमीर अली मेरी जगह पर
कब्जा कर ले। मैं तुमको एक हफ्ते की मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन लाइट डाइट लेनी है, राइट? और सिगरेट पीने से गुरेज करना, तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। कोशिश करना कि दर्द की गोलियां भी ना खाओ। जब जेल जाकर यही सिपाही मेरी मरम्मत करेंगे तो मैं दर्द की गोलियां भी खाऊंगा और सिगरेट भी पीऊंगा। नहीं प्लीज, आप बुलाएं इनको प्लीज, मैंने नहीं रहना है, आप मैं यहां नहीं रह सकता। प्लीज मुझे नहीं रहना है यहां। ठीक है, तुम जाना चाहते हो? हाँ ओके, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तुम जाओ। आप लोग प्लीज ये आपका पेशेंट है, आप इसे फौरी तौर पर लेके जा सकते हैं। ये ठीक हो गया? ये बिल्कुल ठीक है, ये चल सकता है, दौड़ सकता है, फिर सकता है, भाग सकता है, आप इसको लेके जाओ। वैसे भाई हाथ बांध दो उसके। डॉक्टर मायरा? सॉरी डॉक्टर मायरा नहीं, शी इज नॉट फीलिंग वेल, आज नहीं आएगी। आपको कैसे पता? वो एक्चुअली उसको फोन आया था अभी कि वो नहीं आ रही। आप बैठिए ना प्लीज। कोई काम था आपको? एक्चुअली वो मैं ही लेटर लाया था डॉक्टर हमाद, डॉक्टर निर्मल और हॉस्पिटल के तमाम एम्प्लॉइज के लिए। लेटर? क्या है इसके अंदर? इस लेटर में मेरा कन्फेशन है कि आप लोग वो जैसे सफाक और झूठे इंसान से दूर रहे जो लोगों के कहने पर अपने पेशे से नहीं बल्कि क्या कुछ से गद्दारी कर बैठते हैं। डॉक्टर आसिफ आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बाय द वे आप अपने आप को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? ऐसी क्या गलती हुई है आपसे? आपको नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने इस हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? दोस्ती में न जाने क्यों मैं डॉक्टर हसन की बातों में आके। और चलिए भूल जाइए इस बात को, जो हुआ सो हुआ। अब नए सिरे से दयानतदारी के साथ हम सबके साथ मिलकर काम करें, ओके? और कोई जरूरत नहीं है इस लेटर की। थैंक यू, आपसे बात करके मुझे बहुत हौसला मिला। डिस्चार्ज स्लिप, एक सेकेंड। शकील अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे से वकील का बंदोबस्त कर सकता हूँ। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद फिर दोबारा तुम अब ऐसा कभी नहीं होगा।